रक्षा सूत्र का मंत्र और उसका उद्देश्य। रक्षा सूत्र का मंत्र। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामुन वंदनामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का सामान्यतः अर्थ लिया जाता है कि दानों के महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे उसी से तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे, हे रक्षासूत्र, तुम चलायमान न हो, चलायमान न हो। धर्मशास्त्र के विद्वानों के अनुसार इसका अर्थ यह है कि रक्षासूत्र बांधते समय ब्राह्मण या पुरोहित अपने यजमान को कहता है कि जिस रक्षासूत्र से दानों के महापराक्रमी राजा बलि धर्म के बंधन में बांधे गए थे, अर्थात धर्म में प्रयुक्त किए गए थे, उसी सूत्र में मैं तुम्हें बांधता हूँ, यानी धर्म के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ। इसके बाद पुरोहित रक्षा सूत्र से कहता है कि हे रक्षे, हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना। इस प्रकार रक्षा सूत्र का उद्देश्य ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को धर्म के लिए प्रेरित एवं प्रयुक्त करना है। शास्त्रों में कहा गया है, इस दिन उपरांत में रक्षा सूत्र का पूजन करें और उसके उपरांत रक्षाबंधन का विधान है। यह रक्षाबंधन राजा को पुरोहित द्वारा, यजमान के ब्राह्मण द्वारा, भाई के बहिन द्वारा और पति के पत्नी द्वारा दाहिने कलाई पर किया जाता है। इस प्रकार विधि पूर्वक जिसके रक्षाबंधन किया जाता है वह संपूर्ण दोषों से दूर रहकर संपूर्ण वर्ष सुखी रहता है। रक्षाबंधन में मूलतः दो भावनाएं काम करती हैं। प्रथम, जिस व्यक्ति के रक्षाबंधन किया जाता है उसके कल्याण कामना, और दूसरे, रक्षाबंधन करने वाले के प्रति स्नेह भावना। इस प्रकार रक्षाबंधन वास्तव में स्नेह, शांति और रक्षा का बंधन है। इसमें सबके सुख और कल्याण की भावना निहित है। सूत्र का अर्थ धागा भी होता है और सिद्धांत या मंत्र भी। पुराणों में देवताओं या ऋषियों द्वारा जिस रक्षा सूत्र बांधने की बात की गई है वह धागे की बजाय कोई मंत्र या गुप्त सूत्र भी हो सकता है। धागा केवल उसका एक प्रतीक है।